हेलो एवरीवन, वेलकम टू सही तराठी क्लासेस। आज के सेशन में आप सभी का स्वागत है। आज हम चैप्टर करने वाले हैं क्लास नाइन्थ का। चैप्टर है आपका फूड सिक्योरिटी इन इंडिया। इस चैप्टर में हम फूड सिक्योरिटी को समझने की कोशिश करेंगे। काफी इंटरेस्टिंग चैप्टर है। क्यों? क्योंकि आज की टर्म्स लगा लो या हमारी सराउंडिंग की बहुत सारी स्कीम्स लगा लो या जो फूड आइटम है उनकी नेसेसिटी क्यों है, इन सभी चीजों के बारे में हम समझेंगे, यहाँ पर जानेंगे। क्यों? क्योंकि खाना हमारा मेन फैक्टर है और अलग अलग टेस्टी टेस्टी चीजें खाना किसको पसंद नहीं है। सेशन को स्टार्ट करने से पहले जिन लोगों ने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज का जो ये सेशन है ये वन शॉट सेशन है आपका। एक ही बार में हम कंप्लीट चैप्टर आपका यहाँ पे कर लेंगे, जिससे क्या कोई भी कंफ्यूजन ना रहे और अलग अलग क्या है आपको वहां पर सर्च ना करना पड़े। चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो देखो, खाना नॉर्मल शब्दों में जो हम जानते हैं खाना क्यों जरूरी है, एनर्जी के लिए। वो एनर्जी जो हमें काम करने की ताकत देती है, ठीक है? तो खाएंगे तभी हम काम कर पाएंगे। अब यहां पर ये जो आइटम दिया गया आपका फूड, ठीक है, इसको सिक्योरिटी या जो दूसरी यहां पर हम जो टर्म्स पढ़ेंगे उनसे कैसे जोड़ा गया, किस तरीके से ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, उन चीजों को यहां पर समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हमें जानने की जरूरत है यहां पर फूड सिक्योरिटी क्या है। तो फूड सिक्योरिटी मींस अवेलेबिलिटी, एक्सेसिबिलिटी एंड अफोर्डेबिलिटी ऑफ फूड टू ऑल पीपल्स एट ऑल टाइम्स, कि सभी को सभी टाइम पर खाने की अवेलेबिलिटी हो, उनकी एक्सेस हो और वो अफोर्ड कर पाए उन सारी चीजों को। तो ये टर्म आपकी क्या हो जाती है, फूड सिक्योरिटी। दोबारा से एक्सप्लेन कर देती हूँ। देखिए, अवेलेबिलिटी ऑफ फूड इसका मतलब क्या है कि फूड प्रोडक्शन इतना होना चाहिए पर्टिकुलर कंट्री में या पिछले सालों से इतना स्टॉक उनके पास होना चाहिए, गवर्नमेंट के पास, उनके मींस गवर्नमेंट के पास इतना स्टॉक होना चाहिए कि पर्टिकुलर कंट्री के सिटीजन के लिए खाना जो है वो अवेलेबल होना चाहिए जितनी उसकी पॉपुलेशन है। एक्सेसिबिलिटी को यहां पर समझेंगे कि एक्सेसिबिलिटी में जो फूड आइटम है, ठीक है, खाने की जो चीजें हैं वो ईच एंड एवरी पर्सन के, ठीक है, हर एक व्यक्ति की पहुंच में होना चाहिए। एक और वर्ड हमने यहां पे पढ़ा अफोर्डेबिलिटी, हम खरीद सकते हैं तभी तो वो हमारी रीच में है, अगर हम खरीद ही नहीं सकते तो हमारी रीच में कैसे है। तो क्वालिटी वाला जो खाना है, ठीक है, जिसमें सारे न्यूट्रिएंट्स हैं और जो मतलब वो खाना जो हमारे लिए सेफ है, गंदा नहीं है, सड़ा हुआ नहीं है, तो साफ सुथरा खाना हमारे लिए अवेलेबल होना किस पर, एक फिक्स रेट आप कह सकते हो या एक चीप रेट पर गवर्नमेंट अवेलेबल करवाए तो वो चीज आपकी हो जाती है अफोर्डेबिलिटी, ठीक है। तो फूड सिक्योरिटी में क्या आपने पढ़ा कि फूड की अवेलेबिलिटी होनी चाहिए, एक्सेसिबिलिटी होनी चाहिए और अफोर्डेबिलिटी होनी चाहिए, ठीक है, सभी लोगों को। इस टर्म को हम बोलते हैं फूड सिक्योरिटी। और फूड सिक्योरिटी इंश्योर कौन करता है, गवर्नमेंट ऑफ द कंट्री, ठीक है, किस चीज के लिए। देखिए, आप नाइन्थ क्लास के चैप्टर पहले भी पढ़ चुके हैं, ठीक है, जिसमें पीपल एज अ रिसोर्स हमने चैप्टर पढ़ा था। अब फूड सिक्योरिटी, हेल्थ सिक्योरिटी या दूसरी जो सिक्योरिटी है या अपॉर्चुनिटीज है गवर्नमेंट क्यों प्रोवाइड करवाती है, ताकि उसके कंट्री की जो पॉपुलेशन है, जो सिटीजन है, उनको कन्वर्ट कर सके एज अ रिसोर्स में, ठीक है। जिस तरीके से पौधे को या उसकी जड़ों को हम जब मजबूत करेंगे तो पौधा अपने आप ही वहां पर क्या होगा, हेल्दी होगा, ठीक है, और वो अच्छे फ्रूट्स वहां पर क्या है, देगा। नेक्स्ट जो टर्म्स अभी हमने की है उन्हीं को रिवाइज करेंगे। देखिए, इनफ फूड इज अवेलेबल फॉर ऑल पर्संस। सेकंड, ऑल पर्संस हैव द कैपेसिटी टू बाय फूड ऑफ एक्सेप्टेबल क्वालिटी। जितना एक एक्सेप्टेबल जो क्वालिटी है, ठीक है, जितना सही बढ़िया खाना हम खा सकते हैं या जिसकी रिक्वायरमेंट है, वो कैपेसिटी होनी चाहिए हर एक पर्सन की। देयर इज नो बैरियर ऑन एक्सेस टू फूड, कि कोई भी रुकावट नहीं होनी चाहिए उस खाने तक पहुंचने की, ठीक है। यहां पर कुछ और टर्म्स हैं, ठीक है, कुछ और चीजें हैं जो फूड सिक्योरिटी के साथ हम समझने की कोशिश करेंगे। 1970 में, ठीक है, फूड सिक्योरिटी की जो एक थॉट है, ठीक है, उसको समझा गया, ठीक है, कि फूड सिक्योरिटी जो टर्म्स है वो होनी चाहिए, ठीक है, इस तरीके की सुरक्षा, इस तरीके की सिक्योरिटी लोगों को, पॉपुलेशन को, सिटीजन्स को अवेलेबल कराई जानी चाहिए, ठीक है। किस टर्म, किसकी बात करें, देखिए, अवेलेबिलिटी एट ऑल टाइम्स ऑफ एडिक्वेट सप्लाई ऑफ बेसिक फूड स्टफ, बेसिक, ठीक है, जैसे रोटी, ठीक है, सब्जी, दाल वगैरह जो है, ठीक है, इस तरीके की बेसिक सरकार दो टाइम का, तीन टाइम का खाना लोगों को अवेलेबल करवाए।
इसी जो भी कहा कि 1970 की बात हो रही है, ठीक है, तो 1970 में ये जो टर्म थी फूड सिक्योरिटीज के बारे में सोचा गया, ये जो सोच थी आपकी या इस चीज के बारे में जो आपके इकोनॉमिस्ट होते हैं, ठीक है, वो इनके बारे में ज्यादा यहां पर क्या समझ रखते हैं, क्यों रखते हैं, क्यों, क्योंकि वहां पर पीपल को एज अ रिसोर्स देखा जाता है, और रिसोर्स किस लिए यूज किया जाता है, किसी भी कंट्री को इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग करने के लिए, ठीक है, उनकी स्ट्रेंथ को बिल्ड करने के लिए। यहां पे हम बात करेंगे अमर्त्य सेन की, एक काफी जाने माने इकोनॉमिस्ट है, अर्थशास्त्री है। इन्होंने फूड सिक्योरिटी के एक जो नया डायमेंशन था उसके ऊपर फोकस किया, ठीक है, और एम्फेसिस किया उन्होंने किसके ऊपर, एक्सेस पर, ठीक है, एक्सेस का यहां पर क्या दिया गया, एक्सेस टू फूड थ्रू व्हाट ही कॉल्ड एंटाइटलमेंट्स, कि सभी की एक्सेस होनी चाहिए, ठीक है, और इस एक्सेस वर्ड को उन्होंने स्पेसिफिक किया एक वर्ड के साथ जो कि है एंटाइटलमेंट। एक कॉम्बिनेशन था एक तरीके का, ठीक है, जिसमें यहां पर जो प्रोड्यूस है, जो प्रोडक्ट है जो कि मार्केट में मिल रहा है, ठीक है, वो सोशली सभी के लिए इतनी सप्लाई होनी चाहिए कि सभी को मार्केट में वो पर्टिकुलर आइटम, वो दो टाइम का खाना अवेलेबल करवाए सरकार, ठीक है, और इसी के लिए वहां पर क्या है सब्सटेंशियल शिफ्ट दिया गया, किस चीज में, ताकि लोग समझ सके फूड सिक्योरिटी को, ठीक है। अमर्त्य सेन ने यहां पर समझाने की कोशिश की है किस चीज की कि एक्सेस होनी चाहिए, एक्सेस कब होगी, जब वो चीजें आपकी मार्केट में, आपकी सराउंडिंग में, आपके आसपास के एरिया में आपको अवेलेबल होंगी, उनकी सप्लाईज आपको अवेलेबल होंगी, ठीक है, और वो अवेलेबिलिटी कराने के लिए हमें समझना पड़ेगा किस चीज को, फूड सिक्योरिटी को, ठीक है, फूड सिक्योरिटी की टर्म को इंपॉर्टेंट मानना होगा, ठीक है, कि फूड सिक्योरिटी बहुत जरूरी है, तभी सरकार या बाकी की जो ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, गवर्नमेंट की जो ऑर्गेनाइजेशन है वो इस टर्म के लिए काम करेंगे, ठीक है। और सब्सटेंशियल शिफ्ट यहां पर देखिए, क्यों, क्योंकि बेसिक है, खाने के बिना आप काम नहीं कर सकते और दो टाइम का खाना सभी के लिए नेसेसरी है, ठीक है। इन 1995 वर्ल्ड फूड समिट डिक्लेयर, 1995 में एक वर्ल्ड फूड समिट हुआ, एक मीटिंग हुई और उसने डिक्लेयर किया, क्या डिक्लेयर किया, देखिए, फूड सिक्योरिटी एट द इंडिविजुअल हाउस होल्ड रीजनल नेशनल एंड ग्लोबल लेवल एग्जिस्ट when all people at all times have physical and economic access to sufficient, safe, nutritious food to meet their dietary needs and food preferences for an active and healthy life. यहाँ पे समिट में देखिए कि खाना जो है हमारे आसपास के एरिया में, ठीक है, सभी लोगों को सभी टाइम पर अवेलेबल होना चाहिए, उनकी फिजिकली और इकोनॉमिक एक्सेस होनी चाहिए जितना सुफिशिएंट, ठीक है, सेफ या न्यूट्रिशियस फूड एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल को चाहिए, उनकी डाइटरी नीड में जितनी वो रिक्वायरमेंट है वो उनको मिलनी चाहिए, क्यों मिलनी चाहिए, ताकि लीड कर सके वो एक हेल्दी और एक्टिव लाइफ। ये जो डिक्लेरेशन थी इसने रिकॉग्नाइज किया, ठीक है, कौन से डिक्लेरेशन ने, 1995 की वर्ल्ड फूड समिट ने, ठीक है, समिट ने यहां पर रिकॉग्नाइज किया पुअर्टी इरेडिकेशन को, ठीक है, कि जो फूड सिक्योरिटी है वो आपकी किसके साथ जुड़ी हुई है, पुअर्टी के साथ, और पुअर्टी जब खत्म होगी, ठीक है, एक तरीके से गरीबी को दूर किया जाएगा तो अपने आप ही जो एक्सेस है फूड की तरफ वो क्या हो जाएगी, इंप्रूव हो जाएगी, उसमें सुधार होगा, गरीबी कम होगी, पॉकेट में पैसा है तो अपने आप ही क्या चीजें हमारी एक्सेस में आएंगी, हम उन्हें अफोर्ड कर पाएंगे, क्लियर, इतना समझ में आ गया बच्चे। अब देखें हम इन टर्म्स को, फूड सिक्योरिटी हमने समझ लिया, अब हमें समझना जरूरी है व्हाई फूड सिक्योरिटी, क्यों चाहिए फूड सिक्योरिटी, क्लियर, जब सभी के पास पैसा अपना कमाओ, नॉर्मल से टर्म देखो हमारी, हम एक रीजनल लेवल पर एक चीज लेके चलते हैं कि अच्छा पढ़ो, पढ़ के काम करो, काम करके पैसा कमाओ, पैसा कमाओगे तो आप कुछ भी खरीद सकते हो, ठीक है, लेकिन ऐसा सभी के साथ तो नहीं है, सभी तो काम नहीं करते हैं, ठीक है, सभी इस लायक नहीं है कि उनके पास पैसा हो या वो कोई जॉब कर सके, तो ऐसे लोगों का क्या, ठीक है, या दूसरे भी रीजन है जो हम यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे, तो वो कारण होने के बावजूद वो इंसान क्या करे, उसे भी तो खाना चाहिए, वो भी गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो भी हमारी कंट्री का पार्ट है, तो ऐसे लोगों के लिए हमें क्या चाहिए, फूड सिक्योरिटी चाहिए, ठीक है, जैसे कोई हैंडीकैप्ड है, ठीक है, हाथ पैर उसके है नहीं तो काम कैसे करेगा, ठीक है, वो फिजिकली फिट नहीं है कोई भी काम करने के लिए, तो ऐसे लोग भी हमारी कंट्री का पार्ट है और उन्हें भी फूड सिक्योर करना जरूरी है। यहां पे हम समझेंगे वी नीड फूड सिक्योरिटी बिकॉज, किस कारण से देखिए हमें चाहिए, कि फर्स्ट आपका यहां
यहाँ पे देखिए कि पुअरेस्ट से पुअरेस्ट, ठीक है, जो बिल्कुल गरीब भी है, ठीक है, हद से ज्यादा जो गरीब है उसको भी हम यहाँ पर क्या करें, खाना अवेलेबल करवाएं, ठीक है। मतलब यहाँ पर देखिए जो गरीब आपके हैं, ठीक है, समाज में अपने अपनी सराउंडिंग में ऐसे लोगों को देखा होगा और वो फूड इनसिक्योर है। इनसिक्योर क्यों है, क्योंकि पहले ही जो लाइन मैंने अभी पढ़ी उसे बता दिया गया क्या कि वो गरीब है। गरीब है इट मीन्स उसके पास क्या है, रिसोर्सेज नहीं है, कैपिटल नहीं है, पैसा नहीं है, ठीक है, वो खाना कहाँ से खरीदेगा। इसलिए यहां पर क्या हो गया, वो फूड इनसिक्योर, कि वो अपने जो दो मील है, ठीक है, टू मील का जो उसका जो सुफिशियंट रिक्वायरमेंट है वो भी कंप्लीट नहीं कर पा रहा है। इसके लिए यहां पर देखिए कंट्री क्या करती है, एक और सिचुएशन को हम यहां पे समझने की कोशिश करेंगे कि एक तो जो नॉर्मल गरीब है, दूसरे अच्छे खासे परिवार के, ठीक है, जो अच्छा खासा अर्न कर रहे हैं। कई बार ऐसी सिचुएशन होती है, कौन सी सिचुएशन होती है, डिजास्टर की आप मान के चल सकते हैं, क्लेमिटी आ जाती है, कोई भी अर्थक्वेक है, ड्रॉट है, या फ्लड है, सुनामी है, ऐसे सिचुएशन में जिनके पास रिसोर्सेज हैं वो रिसोर्सेज र्यून हो जाते हैं, ठीक है, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। तो ऐसे सिचुएशन में वो लोग कुछ टाइम पीरियड के लिए, ठीक है, या आने वाली लाइफ के लिए क्या हो जाते हैं, गरीब हो जाते हैं, ठीक है, उनके रिसोर्सेज वहां पर नहीं है। तो ये लोग भी किस में आ जाते हैं, फूड इनसिक्योरिटी में आ जाते हैं, ठीक है। कई बार क्या होता है, यहां पर आप देखें कि फसल उगाई जाती है, ठीक है, फसल के लिए किसान इतनी मेहनत करता है, वही तो हमारे लिए खाना उगाते हैं ना, तो वो इतनी मेहनत करते हैं, पर किसी रीजन से वो जो फसल है, किसी फेमाइन के कारण, एक्स्ट्रा जो रेन है उसके कारण, या कई बार बारिश नहीं आती है उसके कारण, तो जो फसल है वो क्या हो जाती है, खराब हो जाती है, ठीक है, क्रॉप फेलियर हो जाता है। तो अनाज जब पैदा ही नहीं हुआ तो आगे वो अवेलेबल कहां से होगा, ठीक है। अब अवेलेबल नहीं है तो अपने आप ही पर्टिकुलर जो वहां पर सिटीजन है वो क्या हो जाएंगे, फूड इनसिक्योर। क्लियर, तो ये आपकी टर्म्स आपको पता चले कि कौन कौन फूड इनसिक्योरिटी में आता है। फूड जो सिक्योरिटी है इफेक्टेड कैसे होती है किसी क्लाइमेटी के टाइम पे, ये समझने की हम कोशिश करेंगे। जब कोई नेचुरल क्लाइमेटी होती है, ठीक है, तो जो टोटल फूड ग्रेन का जो प्रोडक्शन है वो क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है कि पर्टिकुलर एरिया में, ठीक है, किसी का भी एग्जांपल हम लेके चलेंगे, वहां पर बाढ़ आ गई, तो बाढ़ आने के कारण तो वहां पे पानी भर गया सारे खेतों में, आसपास के एरिया में। तो जब तक वो बाढ़ का पानी सूखेगा नहीं, ठीक है, वो जो मॉइस्चर वहां पर है वो डिक्रीज नहीं होगा, तब तक वहां पर प्रोडक्शन नहीं होता। इट मीन्स पहले वहां पर प्रोडक्शन होता था लेकिन अब वहां पर प्रोडक्शन नहीं हो रहा, ठीक है। तो वो एरिया तो जो टोटल कल्टीवेटेड एरिया था या जहां से हमें प्रोडक्शन आना था वो तो कट गया ना, ठीक है। तो जो टोटल प्रोडक्शन यहां पर क्या हो गया आपका, ऑटोमेटिकली किसके कारण, क्लाइमेटिक के कारण डिक्रीज हो गया। क्लियर, इसके अलावा देखिए ये जो डिक्रीज हुआ है ये क्या कर रहे हैं, शॉर्टेज कर रहे हैं, किसमें, पर्टिकुलर एरिया की अवेलेबिलिटी ऑफ फूड में, कि फसल उगी ही नहीं है तो आएगी कहां से, आएगी नहीं तो खाएंगे कहां से, ठीक है। इसी शॉर्टेज के कारण ये जो भी फसल नहीं उगी थी और मार्केट में नहीं आ रही है या अवेलेबल नहीं है तो चीजों की कीमत बढ़ जाएगी, चीजों की कीमत बढ़ जाएगी तो सैलरी जो इनकम है वो तो पहले ही कम है, ठीक है, ऊपर से जो चीज पहले सस्ती मिल रही थी अब वो महंगी हो गई, पहले ही एक्सेस में नहीं थी अब वो महंगी हो गई है तो और एक्सेस में नहीं है, ठीक है। तो ये भी एक रीजन हो जाता है कि किस तरीके से एक पर्टिकुलर पर्सन या एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल या ग्रुप ऑफ पीपल जो पहले फूड सिक्योर थे अब क्या है, फूड इनसिक्योर हो गई है, ठीक है। इतना कॉन्सेप्ट समझ में आया बच्चे, नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं। ये जो कीमतें हैं, ठीक है, जो बढ़ चुकी हैं, ठीक है, हाई प्राइसेस हो चुके हैं, लोग इसको अफोर्ड नहीं कर पा रहे, ठीक है, और इसी क्लेमिटी से जो ये जो सिचुएशन थी, चीजों की कीमतें बढ़ जाना, ठीक है, अवेलेबिलिटी ना हो पाना उस पर्टिकुलर एरिया में सिचुएशन क्रिएट करता है स्टार्वेशन की, ठीक है, भूख की, भूखमरी की, ठीक है। और जब यही स्टार्वेशन की सिचुएशन मैसिव हो जाती है, ठीक है, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाती है, फेमाइन, ठीक है। इसी पहले वो छोटे एरिया में थी पर फिर वो फैल गई ज्यादा एरिया में, ठीक है, कौन से, भूखमरी की, अवेलेबिलिटी नहीं हो रही थी फूड की, तो इसी मैसिव स्टार्वेशन की सिचुएशन को हम क्या कहेंगे, फेमाइन कहेंगे, ठीक है। यहां मैं इस टर्म को एक्सप्लेन कर देती हूँ आपको, ठीक है, कि फेमाइन क्या है, ठीक है, पॉइंट्स आपके अवेलेबल करवाने की कोशिश की है ताकि आपको डिफिकल्टी ना हो। अ फेमाइन इज कैरेक्टराइज्ड बाय वाइडस्प्रेड डेथ्स ड्यू टू स्टार्वेशन एंड एपिडेमिक्स कॉज्ड बाय फोर्स्ड यूज ऑफ कंटेमिनेटेड वाटर
और डिकेइंग फूड एंड लॉस ऑफ बॉडी रेजिस्टेंस ड्यू टू वीकनिंग फ्रॉम स्टार्वेशन। ठीक है, समझा देती हूँ। भूख के कारण ज्यादा लोगों का मर जाना, ठीक है, या गंदा पानी या सड़े हुए खाने से, ठीक है, वहां पर एपिडेमिक की सिचुएशन आ जाना, खाना मतलब हमारी बॉडी में खाने की खाना सही से ना मिलने के कारण हमारी बॉडी कमजोर हो जाना, जिससे क्या है हम कुछ भी काम नहीं कर सकते। तो ये कंप्लीट सिचुएशन आपकी किस में कंसिडर की जाती है, फेमाइन में कंसिडर की जाती है। ठीक है, सबसे ज्यादा डिवास्टेटिंग जो फेमाइन था, ठीक है, वो 1943 में बंगाल में आया था और इसने एक ही बार में, ठीक है, इस फेमाइन ने अप्रोक्स 30 लाख जो पीपल थे, ठीक है, बंगाल प्रोविंस के, उनको किल कर दिया था, उनको मार दिया था। यहाँ पे सिचुएशन आप देखिए, एग्जांपल के लिए कुछ फोटोज मैंने आपको अवेलेबल करवाई हैं, जिससे कि आप समझ सके कि किस तरीके से खाना ना मिलने से सिचुएशन हो जाती है। आज के टाइम की हम बात करेंगे, ठीक है, ये तो हमने बंगाल की बात की जहां पे खाना अवेलेबल नहीं हुआ था, ठीक है, तो वहां पर इतना बड़ी सिचुएशन हो गई थी। ऐसे ही हम एग्जाम्पल यहाँ पे लेके चलेंगे, आज के टाइम की हम बात करेंगे। देखिए, कालाहांडी की यहाँ पर बात हो रही है, काशीपुर की बात हो रही है, ठीक है, उड़ीसा की, जहां पर क्या है फेमाइन की जैसी सिचुएशंस हो गई थी। यहाँ पर क्यों हो गई थी, ये सिंपल सी बात, वही इन एरिया में खाना अवेलेबल नहीं था, फूड अवेलेबल नहीं था, और इसलिए वहां पर सिचुएशन क्रिएट हुई किसकी, स्टार्वेशन की, और स्टार्वेशन ने लीड किया डेथ की तरफ, ठीक है, और वही डेथ्स जब बढ़ने लगी, ठीक है, यही स्टार्वेशन जब वहां पर मैसिव हो गया, तो ये सिचुएशन किस में कन्वर्ट हो गई, आपकी फेमाइन में कन्वर्ट हो गई, ठीक है, और इतनी सारी जो डेथ्स है वहां पर रिपोर्ट की गई। स्टार्वेशन का यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल लेके चलेंगे, ठीक है, राजस्थान डिस्ट्रिक्ट का है, बैरन जो जगह है उसका बात करेंगे, इसके अलावा पहला माउंट डिस्ट्रिक्ट है, कहाँ की, झारखंड की, वहां की, और इसके अलावा भी बहुत सारे रिमोट एरियाज हैं अलग अलग हमारी कंट्री के, जहां पर क्या है यही स्टार्वेशन की जो सिचुएशन है ये हमने नोटिस की है, स्टडी की है। इसीलिए फूड सिक्योरिटी क्या हो जाती है पर्टिकुलर किसी भी कंट्री के लिए, कि वहां के सिटीजन्स को ऑल टाइम, ठीक है, खाना अवेलेबल हो, उनके एक्सेस में हो, उनके लिए वो खाना उनके लिए अफोर्डेबल हो, ठीक है, तो इन सारी सिचुएशन के लिए उनको क्या है ये फूड सिक्योरिटी दी जाती है। अब हम बात करेंगे हु आर फूड सिक्योर, कौन है फूड सिक्योर, उन फूड सिक्योर की यहां पे बात करेंगे। यहां पर देखिए आपका कि जिनके पास अच्छे रिसोर्सेज है, ठीक है, जो अच्छी सैलरी कमा के, जिनके पास अच्छी सैलरी है, अच्छी प्रॉपर्टी है, अच्छा काम वो चल रहे हैं कर रहे हैं, अच्छा बिजनेस है, तो वो सभी लोग किस में आएंगे, फूड सिक्योर में आएंगे। लेकिन फूड इनसिक्योर कौन है, उनके यहां पर क्या है, उन पर्टिकुलर टर्म्स को हम पढ़ेंगे। अभी तो हमने देखा कि वो लोग जो खाना अवेलेबल नहीं कर पाते हैं, लेकिन इनमें हम बिल्कुल ना हाईलाइट करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन कौन है। द वर्स्ट इफेक्टेड ग्रुप, सबसे ज्यादा असर पड़ने वाला ग्रुप आपका कौन सा है, ठीक है, लैंडलेस पीपल, जिनके पास क्या जमीन नहीं है या बिल्कुल थोड़ी सी जमीन है, ठीक है। अब इसमें से आपके कौन आ जाते हैं, ट्रेडिशनल आर्टिशंस आ जाते हैं, ठीक है, जो सांस्कृतिक तरीके से सामान बनाते हैं, ठीक है, जो हमें अलग अलग जो ट्रेडिशनल सर्विसेज प्रोवाइड करवाते हैं। इसके अलावा जो छोटी मोटी जो कंपनीज हैं, दुकानें हैं, वहां पर जो काम करते हैं उनको सैलरी काफी कम मिलती है। इसके अलावा हम लेके चल सकते हैं बैगर्स, ये लोग, ये भी आपके किस में आते हैं, फूड इनसिक्योरिटी में आते हैं, ठीक है, तो इनको हमें फूड सिक्योर करना है, ठीक है। कौन आपके, ये जो आपके मैंने यहाँ पे टर्म्स अभी बताइए, जो नाम अभी बताए, जैसे जिसमें आर्टिशंस है, ट्रेडिशनल सर्विस प्रोवाइड करवाने वाले हैं, ठीक है, सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर्स हैं या बेगर्स हैं, ठीक है, इनकी हम बात करेंगे, तो इनके ऊपर गवर्नमेंट को फोकस करने की जरूरत है और इनको फूड सिक्योर करना जरूरी है। शहरों की हम बात करेंगे, देखिए शहरों में बहुत सारी जो ऐसी फैमिलीज है, ठीक है, जो आपकी किस में आती है, फूड इनसिक्योरिटी में आती है। ये कौन होते हैं, ये वो लोग हैं जो इल पेड ऑक्यूपेशन से जुड़े हुए हैं, कैजुअल लेबर्स, ठीक है, ये लोग आपके क्या हो जाते हैं, फूड इनसिक्योरिटी में आते हैं। फूड इनसिक्योरिटी में क्यों आते हैं, देखिए ये डेली कमाते हैं, ठीक है, डेली वेजर्स होते हैं, काम करने के लिए जाते हैं, जिस दिन काम किया उस दिन इनके पास पैसे हैं, जिस दिन काम नहीं किया उस दिन उनके पास पैसे नहीं है, ठीक है। तो एक दिन काम मिल गया, फॉर एग्जाम्पल उनको 4 दिन काम नहीं मिला, तो एक दिन की सैलरी उनके 5 दिन के खाने के लिए सुफिशियंट नहीं है, तो ये लोग किस में आएंगे, फूड इनसिक्योरिटी में आएंगे, और इनको फूड सिक्योर करना बहुत जरूरी है। इस
के जो और वर्कर्स हैं उनकी बात कीजिए, ये जो वर्कर्स कैजुअल जो लेबर्स हैं ठीक है इनकी जो बात कर रहे हैं, ये सीजनल जो एक्टिविटीज हैं उनमें इंडल्ज होते हैं, ठीक है सीजनल एक्टिविटीज करते हैं। सीजनल एक्टिविटीज का मतलब आप कह सकते हैं कि फसल काटने वाली आप एक्टिविटी लगा लो, ठीक है, या कुछ आपके काम ऐसे होते हैं जो ठंड में ही आते हैं तो ये ठंड के उन कामों में लगे हुए थे, गर्मी में इनका काम वहां पर खत्म हो जाता है, ठीक है। तो इस तरीके की जो एक्टिविटीज है ठीक है वो लोग इस तरीके के वर्कर को हम यहाँ पर कंसिडर करते हैं सीजनल एक्टिविटीज में इंडल्ज होना, और ये लोग भी क्या हो जाते हैं फूड इनसिक्योर हो जाते हैं, ठीक है आया समझ में। इतना बच्चे यहां पर देखिए, ये जो अभी अभी पीछे वाला जो पोर्शन हमने पढ़ा इसको एक स्टोरी आपके एनसीईआरटी में स्टोरी अवेलेबल करवाई गई है, प्रोवाइड करवाई गई है, उसी में से यहां पर आपको स्टोरी है, किसकी है, स्टोरी ऑफ राम। राम एक लेबर था, ठीक है, अब वो कैजुअल लेबर आप कह सकते हो, एग्रीकल्चरल लेबर था, खेतों में काम करता था, ठीक है, उसका काफी बड़ा परिवार था, ठीक है, 4 से 5 उसके लड़के थे, 2 उसकी लड़कियां थी, ठीक है, और वो काम करता है खेत में और वहां से उसको थोड़ी बहुत अर्निंग हो जाती है जिससे क्या उसका गुजारा चल जाता है, जबकि उसका बड़ा बेटा ठीक है शामू वो भी उसकी मदद करता है, लेकिन उसके बाकी जो बच्चे हैं वो छोटे हैं और अभी इतने नहीं है कि उसकी हेल्प कर सके। उसकी वाइफ भी उसकी हेल्प करती है काम में, ठीक है, काम में मतलब वो जान जिसके घर पे काम करती है, ठीक है, सरपंच के घर पे जैसे वो काम करती है तो वहां पर वो क्या कर रही है, हेल्प कर रही है जानवरों को मेंटेन करने की, उनकी सफाई की, उनको खाना उनको चारा खिलाने की, इसके बदले उसे आधा लीटर दूध और कुछ सब्जियां मिल जाती है, ठीक है, जिससे उसका उसके परिवार का गुजारा हो जाता है, ठीक है। लेकिन पहले ही मैं बता चुकी आपको रामू क्या था, एक एग्रीकल्चरल लेबर था, ठीक है, अब वो खेतों में काम करता है, ठीक है, सपोज वो वीट की कल्टीवेशन में राइस की कल्टीवेशन में वो काम कर रहा है, जब वीट हार्वेस्ट हो गया उसके बाद वो क्या करेगा, या राइस जब हार्वेस्ट हो गया उसके बाद वो क्या करेगा, तो बचे हुए टाइम के लिए ठीक है उसके पास कोई काम नहीं, अप्रोक्स 4 महीने उसके पास कोई काम नहीं है, अब वो डेली वेजर है, ठीक है, वो डेली अपना कमाता है और डेली अपना गुजारा करता है, तो 4 महीने वो क्या करेगा, उसके पास खाना नहीं है, उसके पास जमीन नहीं है, तो यहां पर रामू क्या बन जाता है, फूड इनसिक्योर बन जाता है, और ऐसे लोगों को सिक्योर करना जरूरी है। रीजन देखिए, यहां पर आपका फर्स्ट पॉइंट देखिए, 10 साल का है उसका बेटा, उसके अलावा उसकी फैमिली का साइज काफी बड़ा हो जाता है, उसकी जो वाइफ है वो भी काम में लगी हुई है, और रामू जो खेत के अलावा दूसरे काम है उसमें भी लगा रहता है, लेकिन फिर भी उसको वो काम वो जो सोर्स ऑफ इनकम है वो उसका रेगुलर नहीं है, और इसलिए क्या बन जाता है, वो फूड इनसिक्योर बन जाता है। आए समझ में, तो इस तरीके से यहां पर इन लोगों को गवर्नमेंट को सिक्योर करने की जरूरत है। एक और यहां पे हम बात करेंगे, एक और स्टोरी आपके एनसीईआरटी में दी गई है, किसकी दी गई है, अहमद की दी गई है, ठीक है। अहमद एक सिटीजन है, ठीक है, जो बेंगलुरु में आता है, दूसरी सिटी से गांव से आता है, किस चीज के लिए, अर्निंग के लिए आता है, ठीक है। बेंगलुरु शहर में वो अपने भाइयों के साथ आता है, ठीक है, अपने भाइयों के साथ आता है, अपने माँ बाप के साथ आता है, अपनी बहन के साथ आता है। यहां पर आके वो रिक्शा चलाने लग जाता है, मतलब वो एक रिक्शा पुलर था, अब रिक्शा चलाता है तो देखो कई बार उसके पास उसकी इनकम इस तरीके से हो जाती है कि वो बचा लेता है, ठीक है, कुछ सेविंग्स वो रख सकता है, लेकिन कई बार उसकी इनकम इतनी भी नहीं होती है कि वो अपना डेली की जो नीड्स है उनको पूरा कर सके, डेली जो उसकी रिक्वायरमेंट्स है उनको पूरा कर सके। सभी जो उसके भाई हैं, ठीक है, वो काम कर रहे हैं, लेकिन फिर भी उसके पास उसकी बहनें हैं, उसके माता पिता हैं जिनको उसे फीड करना है या उसकी दूसरी जो रिक्वायरमेंट्स है उसको पूरा करना है, ठीक है। ये सिचुएशन दे दी, फैमिली का साइज इसका भी बड़ा है, लेकिन रामू के कंपैरिजन में इसके पास क्या है, इसके पास ये लो कार्ड है, ठीक है, मतलब इसके पास बिलो पुअर्टी लाइन का बीपीएल का जो कार्ड है, जिससे इसको जो चीजें हैं वो शहर में सस्ते दाम पर मिल जाती हैं, इसलिए इसकी इनकम कम होते हुए भी इसको रेगुलर जो खाना है वो अवेलेबल हो जाता है, और ये अपने परिवार को, ठीक है, जितनी उनकी रिक्वायरमेंट है, जितनी उनकी डाइटरी नीड्स है, उनको क्या है पूरा कर पाता है। तो दोनों स्टोरीज में आपने देखा कि एक रामू जो है वो फूड इनसिक्योर है, और वहीं पे अहमद क्या हो जाता है, फूड सिक्योर हो जाता है। तो ये चीज आपको समझ में आई। इसके बाद यहां पर देखिए हम बात करेंगे किसकी, एक सेकेंड, हां जी, यहां पर देखिए जो सोशल कंपोजिशन है हमारा, ठीक है, वो इस तरीके से बनाया हुआ है, इस तरीके से बना हुआ है जो एनेबल करता है, ठीक है, इन
एबिलिटी क्रिएट करता है कि फूड बाय ना कर पाए। जैसे कास्ट सिस्टम आप यहाँ पे कह सकते हैं, वर्ण सिस्टम आप कह सकते हैं कि वर्ण सिस्टम में किस तरीके से ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र, जो शूद्र का जो पोर्शन डाला गया, ना तो उनके पास जमीन है, ना उनके पास रिसोर्सेस है, ना इतने बड़े, क्योंकि वो तो सर्व करने के लिए पैदा हुए, तो ना उनके पास इतनी इनकम है कि वो कंपीट कर पाए या वो चीजें खरीद पाए, तो ये सेक्शन पूरी तरीके से फूड इनसिक्योर हो जाता है। ठीक है, यहां पर एग्जांपल के लिए जो अभी बताया, जिसमें आपके क्या आ जाते हैं, एससी एसटी आ जाते हैं, ठीक है, एससी एसटी आ जाते हैं, ठीक है, ओबीसी आ जाते हैं, और ये लोग किस में आ जाते हैं कि इनके पास रिसोर्स नहीं है, इतनी चीजें नहीं है, ठीक है, ये प्रोन जो प्रोन हो जाते हैं टू फूड इनसिक्योरिटी, कि इनके पास जो जमीन है या जहां पर ये काम करते हैं वहां की प्रोडक्टिविटी क्या है, काफी कम है। ठीक है, इसलिए इस तरीके के लोगों को जरूरत हो जाती है फूड सिक्योरिटी की। दोबारा से देखिए, चैप्टर में आपके पॉइंट्स काफी इजी हैं, एक बार आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो इतना मुश्किल नहीं है। ठीक है, जब कोई नेचुरल डिजास्टर आता है, ठीक है, उससे जब हम इफेक्टेड होते हैं, कुछ लोग अपने एरिया को छोड़ के दूसरे एरिया में चले जाते हैं, ठीक है, माइग्रेशन करते हैं, वहां पर जाके वो काम करते हैं, ठीक है, कोई काम ढूंढने की कोशिश करते हैं, एकदम जाते तो उनको काम नहीं मिल जाता, तो अपनी जगह को छोड़ के एक नई जगह पे जाना जहां पर उनके पास कुछ भी नहीं है, तो ये लोग किस में कंसिडर किए जाएंगे, फूड इनसिक्योर। जैसे अहमद गया था, ठीक है, अपने गांव से कहां पर, बेंगलोर में, ठीक है, और वहां पे जाके उसका बीपीएल कार्ड बन गया, और इस तरीके से अगर सरकार वो कार्ड वहां पे राशन कार्ड नहीं बनाती तो कभी भी फूड सिक्योर नहीं हो पाता। अब यहां पे देखिए कि हाई इंसिडेंस न्यूट्रिशंस जो होते हैं औरतों के लिए, ठीक है, क्योंकि उनकी फिजिकल जो नीड है वो एक्स्ट्रा होती है, ठीक है, उनका कंपोजिशन ही इस तरीके से होता है कि उनको न्यूट्रिशंस की वहां पर क्या है, जरूरत है, और इन्हीं न्यूट्रिशंस के लिए, ठीक है, वो जो चीजें हैं वो गवर्नमेंट को अवेलेबल करवानी चाहिए, लेकिन गवर्नमेंट को अवेलेबल करवाना चाहिए, लेकिन उससे पहले वो हमारे घरों में, हमारी जो सराउंडिंग है वहां पर वुमेन्स को, वो जो न्यूट्रिशंस है, वो जो रिक्वायरमेंट है, वो उनको नहीं मिल पाती है, और इसीलिए वो किस में कंसिडर की जाती है, मैल न्यूट्रिशन में, कि वो फिजिकल फिट नहीं है। मोस्ट ऑफ इंडिया का एग्जाम्पल लेके चलेंगे तो यहाँ पर जो मोस्ट ऑफ लेडीज है वो एनेमिक पाई जाती है, उनमें आयरन की कमी होती है, उनमें ब्लड की कमी होती है, क्यों, क्योंकि उनकी डाइट में वो कंपोनेंट नहीं होते, वो न्यूट्रिएंट नहीं होते, जिससे क्या उनमें जो ब्लड है वो सर्कुलेशन या उनके जो बनाने की प्रोसेस है वो इंक्रीज हो सके। इसीलिए यहाँ पे सीरियस कंसर्न की जरूरत है, ठीक है, कि औरतों को वहां पर वो प्रोटेक्शन दिया जाए, उनकी जो रिक्वायरमेंट है उनके लिए ध्यान दिया जाए, जिससे मतलब एक औरत बर्थ देने के लिए, ठीक है, बच्चे को जन्म देने के लिए, या जो कहते हैं कि क्रिएशन की जो एक्टिविटी है वो औरत को दी है भगवान ने, ठीक है, अब वो अनहेल्दी है तो उसके पेट में पलने वाला बच्चा भी क्या है, अनहेल्दी है, ठीक है, तो यहां पर क्या हो गया, अनबोर्न बच्चा अपने आप ही, क्योंकि उसके पास, उसकी माँ के पास खुद वो न्यूट्रिशन नहीं है, तो वो न्यूट्रिशन अपने बच्चे को कहां से देगी, वो भी अपने आप ही क्या हो गया, मैलन्यूट्रिएटेड हो गया। ठीक है, इसीलिए सरकार स्कीम चलाती है, आंगनवाड़ी जो अलग अलग है, या सिविल हॉस्पिटल्स जो है, ठीक है, या एएनएम होती है जो, वो मदद करती है, और उनको फोलिक एसिड या आयरन की जो टैबलेट होती है वो प्रेगनेंसी के टाइम में, ठीक है, अवेलेबल करवाई जाती है, ताकि इस सिचुएशन को गवर्नमेंट वहां पर क्या कर सके, सिक्योर कर सके। लार्ज, यहाँ पे देखिए, लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ प्रेग्नेंट और जो नर्सिंग मदर है, ठीक है, और यहाँ पे एज है बच्चों की 5 ईयर्स तक की, ठीक है, ये एक नॉर्मल हिस्सा हम मान के चलेंगे, किस चीज का, एक अहम हिस्सा हम मान के चलेंगे, किसका, इनसिक्योर पॉपुलेशन का, क्यों, क्योंकि ये कुछ एक्टिविटी नहीं कर रही, अर्निंग एक्टिविटी नहीं कर रही है, तो इंपॉर्टेंट भी नहीं है, और इसीलिए उन पे पैसा, न्यूट्रिशन जो है वो भी वहां पर उनके लिए अवेलेबल कराने के लिए खर्च नहीं करता है, परिवार भी एक तरीके से सोशल जो आइडियोलॉजी है वो भी हो जाती है, और इसीलिए ये लोग कहां रह जाते हैं, पिछड़े हुए रह जाते हैं, मैलन्यूट्रिटेड रह जाते हैं। क्लियर, इतना कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ बच्चे? अब हम बात करेंगे, यहां पे देखिए, अकॉर्डिंग टू द नेशनल हेल्थ एंड फैमिली सर्वे, जो कब हुआ था, 1998 और 1999 में, इस सर्वे के अकॉर्डिंग अप्रोक्स 11 करोड़ जो वोमेन, ठीक है, और जो चिल्ड्रन थे वो मेल न्यूट्रिएटेड थे, ठीक है, कि उनके पास, उनके अंदर, ठीक है, जब उनका
चेकअप किया गया तो वो फिजिकली फिट नहीं थे। तो इतनी मेजोरिटी ऑफ पॉपुलेशन सोच के देखो, अगर फिजिकली फिट नहीं है, ठीक है, न्यूट्रिशंस उसके पास नहीं है, तो किस तरीके का प्रोडक्ट बनेंगे वो, किस तरीके का रिसोर्स बनेंगे, और इस तरीके से वो कंट्री कितना गेन कर पाएगी, कितना प्रोडक्शन कर पाएगी। ऐसे लोग जो होते हैं जो फूड इनसिक्योर है, ठीक है, जैसे वे बच्चे हैं, औरतें हैं, या वो डेली वेजर्स हैं, ठीक है, जिनके पास सैलरी नहीं है अच्छी जिससे कि है वो खरीद सके, ठीक है, तो ये लोग आपके किस में आएंगे, इकोनॉमिकली बैकवर्ड में, ठीक है। और कुछ हमारी स्टेट भी इस तरीके से क्या है, इकोनॉमिकली बैकवर्ड है, जिसमें देखो वहां पर काफी जो गरीबी है वो काफी हद तक है। यहाँ के जो एरिया है वो ट्राइबल है, कि लोग ट्राइब्स के तरीके से रहते हैं, वो जंगलों पर ही डिपेंड रहते हैं, उनकी पर्टिकुलर आज के टाइम की अपडेटेड कोई अर्निंग एक्टिविटी नहीं है, वो रिमोट एरिया से जुड़े हुए, मतलब आज तक वो मेन जो सिटीज हैं या कंट्री के मेन फ्लो से नहीं जुड़ पाए हैं, इसलिए भी वो पिछड़े हुए हैं, इसलिए भी उनकी इनकम जो है वो इतनी अच्छी नहीं है। और कुछ एरिया ऐसे हैं जहां पर नेचुरल जो डिजास्टर्स हैं वो ज्यादा आते रहते हैं। तो ये कुछ रीजंस हैं जिससे क्या है, लोग वहां पर फूड इनसिक्योर है। कुछ स्टेट्स की यहाँ पे देखिए मैंने आपको प्रोवाइड करवाए हैं, कुछ स्टेट्स की हम यहाँ पे बात करेंगे, जिसमें देखो उत्तर प्रदेश है, ठीक है, बिहार है, झारखंड है, उड़ीसा है, वेस्ट बंगाल है, छत्तीसगढ़ है, मध्य प्रदेश के कुछ पार्ट है, महाराष्ट्र है, ठीक है। यहां पर जो पॉपुलेशन है लार्जेस्ट नंबर में, ठीक है, वो फूड इनसिक्योर है, ठीक है। तो ये आपकी जगह जो अभी हमने डिस्कस की, यहाँ पे पॉवर्टी जो है, पॉवर्टी का जो इंसिडेंस है वो काफी हाई है, क्लियर। और यहाँ के बहुत सारे एरिया आपके कैसे हैं, रिमोट है, क्लियर। व्हाट इज हंगर, यहां पर हम बात करेंगे हंगर की, हम खाना 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 बात बात बार बार करते जा रहे हैं, तो वो खाना क्यों खाते हैं, क्यों, क्योंकि हमें भूख लगी है, भूख लगी है तो हम खाना खा रहे हैं, तो ये भूख की जो टर्म है नॉर्मल में आपकी किस में आएगी, हंगर, ठीक है, आई एम हंग्री, दैट्स व्हाई आई एम टेकिंग दिस मील, क्लियर। हंगर इज एन अनकंफर्टेबल और पेनफुल फिजिकल सेंसेशन कॉज्ड बाय इनसुफिशिएंट कंजप्शन ऑफ डाइटरी एनर्जी, ठीक है। भूख यहां पर क्या है, एक अनकंफर्टेबल, आरामदायक तो बिल्कुल भी नहीं है, मुझे भूख लगी है तो मैं आराम से कैसे रह सकता हूं, पेनफुल, ठीक है, भूख लगी है तो अजीब सी क्रेविंग्स वहां पे हो रही है, ठीक है, अजीब सी जो फिजिकल सेंसेशन है वो सिचुएशन वहां पर क्रिएट हो रही है, क्यों हो रही है, क्यों, क्योंकि जितनी कंजप्शन कर रही थी, जितनी मुझे रिक्वायरमेंट थी, उतनी डाइटरी एनर्जी मैंने कंज्यूम नहीं की है, उतनी एनर्जी मैंने नहीं ली है। जैसे आपका फोन का एग्जांपल आप लेके चलेंगे, बैटरी, ठीक है, जब उसका जो चार्जिंग है कम होती है तो किस तरीके से रेड होके काम करना बंद कर देती है, तो सेम इंसान के साथ है, जब उसकी एनर्जी अंदर से खत्म होने लग जाती है तो वो पेन फील करता है वहां पे, वो अनकंफर्टेबल हो जाता है, तो इस सिचुएशन को हम क्या बोलेंगे, हंगर बोलेंगे। अब यहां पर हम हंगर का एक और जो एस्पेक्ट है उसको समझने की कोशिश करेंगे। देखिए हंगर यहां पर, हंगर इज नॉट जस्ट एन एक्सप्रेशन ऑफ पुअर्टी, हंगर सिर्फ गरीबी का ही एक इंडिकेशन नहीं है, ठीक है, बल्कि ये पुअर्टी से थोड़ा ऊपर है या पुअर्टी के बारे में हमें बताता है। देखिए हम भूखे हैं तो नॉर्मल हो सकते हैं, हम स्कूल गए हैं, हम जॉब के लिए गए हैं, हम कहीं घूमने गए हैं, अपने घर से दूर है या ऐसी जगह पर है जहां पर उस टाइम पे खाना अवेलेबल नहीं है तो हम भूखे हैं, ठीक है, तो सिर्फ वहां पर जो भूख है वो आपको गरीबी से नहीं जोड़ती है, बल्कि आपको किसके बारे में बताती, गरीबी के बारे में बताती है। तो गरीबी सिर्फ पैसे की नहीं है, उस टाइम पे अवेलेबिलिटी आपके आसपास नहीं है खाने की, तो ये भी एक यहाँ पे इंडिकेशन है किसका, गरीबी का, कि वो रिसोर्स उस पर्टिकुलर एरिया में अवेलेबल क्यों नहीं है। मैं खरीद तो लेता, अगर होते तो है नहीं तो मैं नहीं खरीद पा रहा हूं, और ये सिचुएशन आपकी क्या हो गई, गरीबी का ही टाइप हो गई। द अटेनमेंट ऑफ फूड, यहां पर देखिए किसकी बात कर रहे हैं, जो हाँ जी फूड सिक्योरिटी क्या करता है, ठीक है, एलिमिनेट करता है करंट हंगर को, ठीक है। फूड सिक्योरिटी हमें क्या करती है कि अभी मैं भूखा हूं और मेरी भूख को शांत करें, लेकिन इसके साथ साथ फूड सिक्योरिटी मुझे एक चांस और देती है कि मैं इतना खाना आपको अवेलेबल करवाऊंगा कि आप फ्यूचर में भी क्या है, कभी भूखे नहीं रह पाएंगे। तो एलिमिनेटिंग ऑफ करंट हंगर, और इसके अलावा रिड्यूस करता है रिस्क को, कौन से रिस्क को, फ्यूचर हंगर के रिस्क, क्लियर। अब हंगर देखिए आपके दो तरीके की होती है, एक क्रोनिक और एक सीजनल, क्लियर, दो तरीके की है। क्रोनिक हंगर, ठीक है, आपकी कौन सी है,
जब इनएडिक्वेट टर्म्स में, क्वांटिटी में या क्वालिटी में लोगों को खाना अवेलेबल नहीं होता है, ठीक है, तो वो चीज आपकी हो जाती क्रोनिक हंगर. अब बिकॉज ऑफ देयर वेरी लो इनकम एंड इन टर्न इनएबिलिटी टू बाय फूड इवन फॉर सर्वाइवल, कि इतना पैसा भी नहीं है, इतनी इनकम भी नहीं है कि वो दो टाइम का, दो रोटी का जो जुगाड़ कहते हैं या अर्निंग कहते हैं वो नहीं कर पाते, तो इस तरीके के लोगों को क्या बोला जाता है, क्रोनिक हंगर के अंडर उनको रखा जाता है. सीजनल हंगर्स आपकी पर्टिकुलर सीजन के अकॉर्डिंग होते हैं, कि आप पूरा साल भूखे नहीं रहते हो, ठीक है, कुछ टाइम ऑफ पीरियड, जैसे रामू का एग्जांपल था कि 4 महीने के लिए उसके पास काम नहीं है, बाकी के 8 महीने के लिए उसके पास काम है, तो 4 महीने के लिए भूखा है, तो उसका हंगर किस में आ गया, सीजनल हंगर में. सीजनल हंगर इज रिलेटेड टू साइकिल ऑफ फूड ग्रोइंग एंड हार्वेस्टिंग. क्लियर, ये टर्म आपके यहां पे क्लियर हुई. नेक्स्ट आगे मूव ऑन करते बच्चे, सेशन में लास्ट तक जुड़े रहे ताकि आप कॉन्सेप्ट जो है एक ही बार में क्लियर कर सके. और जिसने सेशन को अब तक लाइक नहीं किया है वो प्लीज लाइक करना ना भूले. इस सेशन को शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, और कैसा लग रहा है आप मुझे कमेंट में बताते रहे. यहां पे देखिए, हम एग्जांपल लेके चलेंगे. अभी सीजनल और क्रोनिक हंगर की हमने बात की है, ठीक है, हम रूरल एरिया की बात करेंगे. रूरल एरिया में जैसे कि रामू था, ठीक है, वो एक एग्रीकल्चरल एक्टिविटी में इंडल्स था, इसीलिए वो जब फसल उगाई जा रही है, काटी जा रही है, उसी टाइम पे उसके पास काम है, ठीक है, उसके बीच में या उसके बाद उसके पास काम नहीं है, वो इसलिए जो सीजनल हंगर है उसका हिस्सा है. वहीं हम अर्बन जो एरियाज है उनकी बात करेंगे, वहां पर जो कैजुअल लेबर्स है, ठीक है, कंस्ट्रक्शन का काम लगा लो या दूसरी एक्टिविटीज लगा लो. यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए मैंने आपको कंस्ट्रक्शन का जो लेबर का काम है वो उसका एग्जाम्पल दिया. रेनी सीजन में, ठीक है, जब बारिश हो रही होती है उस टाइम पे कंस्ट्रक्शन का काम जो है रुक जाता है, क्लियर, तो उस टाइम पे ये लेबर जो है ये इनके पास काम नहीं है, ठीक है, काम नहीं है तो सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, इनकम नहीं है तो खाना कहां से आएगा, ठीक है, तो इस तरीके से क्या हो गया, ये भी शहर में जो कैजुअल लेबर्स है वो किसमें आ जाते हैं, सीजनल हंगर में आ जाते हैं. दिस टाइप ऑफ हंगर, ठीक है, ये जो सीजनल हंगर की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, एग्जिस्ट व्हेन अ पर्सन इज अनेबल टू गेट वर्क फॉर द एंटायर ईयर, ठीक है. यहाँ देखिए कि इस तरीके की जो क्रोनिक हंगर है उसमें क्या है, पूरे साल के लिए जो इंडिविजुअल है, जो पर्सन है, वो खाना नहीं कर पाता है, तो ऐसे लोगों के लिए हमें क्या चाहिए, फूड सिक्योरिटी चाहिए. यहाँ पे देखिए डाटा अवेलेबल करवाया है, ठीक है, टाइप ऑफ आपको हंगर का जिसमें सीजनल है और क्रोनिक है, और दोनों का ही परसेंटेज आपको प्रोवाइड करवाया गया है कि कितने कितने परसेंट, ठीक है, कितने कितने हिसाब से और टोटल कितने लोग आपके फूड से इनसिक्योर है. नेक्स्ट हम बात करेंगे, देखिए, इंडिया इज एमिंग एट सेल्फ सुफिशियंट इन फूड ग्रेन्स सिंस इंडिपेंडेंस, कि भारत कोशिश कर रहा है, ऐसा एम लेके चल रहा है, ठीक है, कि जितनी उसकी पॉपुलेशन है तो अपनी कंप्लीट पॉपुलेशन को फूड ग्रेन से, ठीक है, सेल्फ सुफिशिएंट कर सके, उसे किसी दूसरी कंट्री पर डिपेंड ना रहना पड़े, ठीक है, इंडिपेंडेंस से वो ऐसा ट्राई कर रहा है. अब ऐसा जो खुद को सेल्फ सुफिशिएंट बनाने के लिए इंडिया क्या कर रहा है, देखिए यहां पे एक टर्म है आपकी ग्रीन रेवोल्यूशन. वैसे ग्रीन रेवोल्यूशन ब्रिटिशर्स ने स्टार्ट कर दिया था, क्यों, क्योंकि वो इंडियन जो कॉलोनी थी उससे एक्स्ट्रा से एक्स्ट्रा प्रोडक्शन करना चाहते थे और उस प्रोडक्शन को अपनी कंट्री में भेजना चाहते थे जिससे वो ज्यादा से ज्यादा अर्निंग कर सके. लेकिन ये हमारे लिए भी हेल्पफुल रहा, ये एक न्यू स्ट्रेटेजी थी एग्रीकल्चर में, ठीक है, जिसका नाम क्या दिया गया, ग्रीन रेवोल्यूशन दिया गया. अब ग्रीन रेवोल्यूशन में क्या था कि वहां पर सीड्स डेवलप्ड, जो सीड्स थे वो लेके आए जाएंगे जिनको HYV सीड्स कहा गया, केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज किया जाएगा, बीमारियों से बचाने के लिए पेस्टिसाइड का यूज किया जाएगा, न्यू जो टेक्नोलॉजिकल हाई अपडेटेड जो इक्विपमेंट्स थे उनका यूज किया जाएगा जिससे क्या है, स्मॉल पैच ऑफ लैंड से एक्स्ट्रा प्रोडक्शन लिया जा सके और जितनी हमारी पॉपुलेशन है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग ज्यादा प्रोडक्शन करके हम उनको फीड कर सके और एक और टर्म आपकी उनको सेल्फ सफिशिएंट हम बना सके, ठीक है. तो ग्रीन रेवोल्यूशन में फोकस हुआ किसके ऊपर, वीट के ऊपर, राइस के ऊपर. अब ये जो आपका दिया गया ग्रीन रेवोल्यूशन का जो फोकस है उसके लिए एग्जांपल के लिए यहां पे किसको, श्रीमती इंदिरा गांधी को लिया गया जो उस टाइम की प्रेसिडेंट थी, ठीक है. उन्होंने जो ग्रीन रेवोल्यूशन है, ठीक है, उसमें जो इंप्रूवमेंट थी, ठीक है, वो काफी इंप्रेसिव वहां पर देखी गई, क्लियर, जिसके
अंदर फोकस किया गया 1968 में वीट रेवोल्यूशन पर, क्यों? क्योंकि स्टेपल फूड था नॉर्थ इंडिया के लोगों का, तो इसके ऊपर फोकस किया गया, ठीक है, और वीट के ऊपर फोकस किया गया जिससे क्या ज्यादा प्रोडक्शन लिया जा सके, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा लोगों के लिए खाना वहां पर अवेलेबल करवाया जा सके। ये जो फोकस किया गया था वीट के ऊपर, इसको बाद में ट्रांसफर किया गया, मतलब एक टर्म में हम वीट में सक्सेड रहे तो इसको आगे अप्लाई किया गया किसके ऊपर, राइस के ऊपर, क्लियर, कि अब हम फोकस करेंगे राइस के ऊपर, क्लियर। और इससे बेशक इंक्रीज हुआ पर जो जितना, एक सेकेंड, ग्रीन रेवोल्यूशन से वीट और राइस पर फोकस किया गया और इंदिरा गांधी जी ने भी वहां पर क्या है काफी इंप्रूवमेंट के लिए उसमें अलग अलग जो पॉलिसीज हैं, जो स्टेप्स हैं, ठीक है, वो उठाए, फोकस किया और वहां पर ग्रोथ भी देखी गई, लेकिन उतनी ग्रोथ नहीं हुई जितने की रिक्वायरमेंट थी, क्लियर। नेक्स्ट मूव ऑन करते बेटे, कॉन्सेप्ट आप साथ के साथ देखते जाए तो काफी ईजी है। यहां पर देखिए, अब ये जो ग्रीन रेवोल्यूशन था आपका कहां पर हुआ था, पंजाब हरियाणा में ज्यादा फोकस किया गया था, ठीक है, क्योंकि ये एरिया आपका क्या था, ज्यादा फर्टाइल था, ठीक है, और यहां से ज्यादा क्या ले सकते थे, हम प्रोडक्शन ले सकते थे, क्लियर। किस पे फोकस किया गया था बेटे, पंजाब और हरियाणा के ऊपर। इसके अलावा लगाओ जो स्टेट थे, ठीक है, जिसमें कौन से, महाराष्ट्र की बात करेंगे, मध्य प्रदेश, बिहार, उड़ीसा की बात करेंगे, नॉर्थन स्टेट्स की बात करेंगे, ठीक है, ये स्टैगर थे, इनमें उतना रिजल्ट नहीं आया जितना पंजाब और हरियाणा में आया था, ठीक है। इसके अलावा देखिए, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश की बात करेंगे, वहां राइस की जो यील्डिंग थी, ठीक है, राइस की प्रोडक्शन में काफी ग्रोथ देखी गई, तो एरिया के अकॉर्डिंग सारी जो स्टेट्स थी उनमें इक्वल, ठीक है, पार्टिसिपेशन आप कह सकते हैं, या जो रिजल्ट था वो इक्वल नहीं आ पाया। फूड सिक्योरिटी इन इंडिया की बात करेंगे, ठीक है, ग्रीन रेवोल्यूशन, ठीक है, जो अर्ली 70s से स्टार्ट हो गया था, ये क्यों स्टार्ट किया गया था, ताकि जो फेमाइन की सिचुएशन थी, ठीक है, जो स्टार्वेशन की जो सिचुएशन थी, अलग अलग वेदर कंडीशंस के कारण जो एडवर्स हो जाती थी, उनको अवॉइड किया जा सके, इसलिए क्या ग्रीन रेवोल्यूशन के ऊपर क्या वहां पर फोकस किया गया था, ठीक है, टर्म्स आप नोटिस करते चाहिए। इसके बाद हम यहाँ पे बात करेंगे क्यों ग्रीन रेवोल्यूशन पे क्यों फोकस किया गया। देखिए, फूड सुफिशियंट हो सके, सेल्फ सुफिशियंट हो सके और हमें किसी के ऊपर डिपेंड ना रहना पड़े, और इसके कारण लास्ट 30 ईयर से वैरायटी ऑफ क्रॉप्स जो है ग्रो की जा रही है, ठीक है, कंट्री के हिस्से में, और इसीलिए हमारे पास फूड ग्रेन्स काफी अवेलेबल है, ठीक है, जिससे क्या है स्टार्वेशन की सिचुएशन वहां पर क्या है नहीं क्रिएट हो पाती। अब गवर्नमेंट इन चीजों पर फोकस कर रही, ग्रीन रेवोल्यूशन पर फोकस कर रही थी, सेल्फ सफिशिएंट होने पर कोशिश कर रही थी, और क्यों कर रही थी, ताकि वो इंश्योर कर सके, ठीक है, वो इंश्योर हो सके, ऐसे फूड सिक्योरिटी सिस्टम वहां पर डेवलप कर सके जिससे क्या है ऑल सिटीजन को ऑल टाइम जो फूड आइटम्स है वो अवेलेबल करा सके। इस सिस्टम के दो कंपोनेंट्स थे मेन, ठीक है, दो कंपोनेंट कौन से थे, यहां पर देखिए, बफर स्टोर और सेकेंड है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, दो मेन कंपोनेंट थे और जो क्या गवर्नमेंट ने वहां पर इंट्रोड्यूस किए थे। अब हम बात करेंगे, देखिए बफर स्टॉक क्या है, ठीक है, बफर स्टॉक को समझना बहुत जरूरी है। अभी दो कंपोनेंट आपके यहां पे थे, बफर स्टॉक इज द स्टॉक ऑफ फूड ग्रेन्स, ठीक है, बफर स्टॉक में क्या किया जाता है, फूड आइटम्स को, फूड ग्रेन्स को, अनाजों को स्टोर किया जाता है, ठीक है, किस टाइम के लिए, ताकि पब्लिक को, ठीक है, जो सिटीजन्स हैं उनको वो अवेलेबल करवाया जा सके, फूड आइटम अवेलेबल करवाया जा सके। इसमें ज्यादातर आपके कौन से फूड ग्रेन बोले, देखिए वीट और राइस, गवर्नमेंट इनको स्टोर करके रखती है, किस कॉरपोरेशन के, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के अंडर, क्लियर। द FCI परचेज करता है वीट और राइस को किसानों से, ठीक है, कौन से किसानों से, जिनके पास ये दोनों आइटम सरप्लस है, ठीक है, उनके खुद के यूज से एक्स्ट्रा जब बच जाते तो FCI उनसे वो अनाज खरीदता है। ये अनाज किसानों से FCI खरीदता है प्री अनाउंस्ड प्राइसेस पे, कि जब वो सो करते हैं, ठीक है, बोरे होते हैं उसी टाइम पे जो गवर्नमेंट है एक प्राइस डिक्लेयर करती है, ताकि फार्मर्स को सिक्योरिटी दे सके कि वो मेहनत कर रहे हैं तो उनकी फसलों की कीमत उनको सही मिलेगी। ये सिक्योरिटी उनको देने के लिए मिनिमम सपोर्ट प्राइस, ठीक है, जिसको MSP कहा जाता है, डिक्लेयर कर देती है, ठीक है। MSP डिक्लेयर हर साल किया जाता है, ठीक है, और MSP डिक्लेयर करने के बाद गवर्नमेंट ये चीजें क्यों कर रही है, क्यों, क्योंकि वो इंसेंटिव दे सके किसानों को, एक तरीके का मोटिवेशन दे सके जिससे क्या वो ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन कर सके, उनके ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन के लिए वो मोटिवेट हो सके। हम कोई जॉब करते तो वहां पे फिक्स इनकम मिलती है, इसी तरीके से वहां पर किसानों को भी क्या मिलने की चांसेस थे कि उनको एक फिक्स इनकम मिल जाएगी।
अब अच्छा वहां पर चीजें मिल रही है, ये खाना, ये जो फूड ग्रेन से सरकार खरीदती है और खरीद के इनको स्टोर कर देती है ग्रेनरीज में। कौन सी ग्रेनरीज में? जो गवर्नमेंट ने ही बिल्ड की है, कंस्ट्रक्ट की है, ऑर्गेनाइज की है, उनमें इन एमएसपी पर खरीदे हुए, किसानों से खरीदे हुए अनाज को वहां पर स्टोर कर सकती है ताकि उसको सप्लाई कर सके उन एरियाज में जहां पर फूड इनसिक्योरिटी है। क्लियर? तो बफर स्टॉक आपको समझ में आ गया, स्टॉक ऑफ फूड ग्रेन्स। दिस इज, ये जो यहां पर बफर स्टॉक की हम बात कर रहे हैं, ठीक है, ये क्यों, पहले ही मैं बता चुकी हूं कि लोअर प्राइस पे, ठीक है, कि जो फूड इनसिक्योर लोग हैं, अभी जो अहमद की बात थी, उसके पास बीपीएल कार्ड था जिससे कि सस्ते दामों पर वो चीजें खरीद सकता था, तो सस्ते दामों पर चीजें उनको अवेलेबल कौन करवाती? सरकार। कब करवाती है? जब वो उनको किसानों से सस्ते दाम पर एमएसपी पर, मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर उसको खरीदती है, ठीक है, और उनको फिर वो उन लोगों तक, ठीक है, डेफिसिट एरियाज तक, ठीक है, जहां पर गरीब लोग हैं उन तक यह पहुंचाती है मार्केट प्राइस से कम कीमत पर। और इस कीमत को क्या कहा जाता है? इश्यू प्राइस कहा जाता है, ठीक है। ये जो प्रोसेस है गवर्नमेंट की, हेल्प करती है, ठीक है, फूड शॉर्टेज की जो प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम को सोल्व करने में, किसी भी वेदर कंडीशन में जब खाना अवेलेबल ना हो या क्लाइमेटिक की कोई भी सिचुएशन हो, उस टाइम पे ये जो बफर स्टॉक है ये हमें मदद करता है, वहां पे हमें सिक्योरिटी देता है। अब हम यहां पे पढ़ रहे हैं कौन सी टर्म, व्हाट इज पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। देखिए नाम से ही पता चल रहा है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, वो चीजें जो पब्लिक में डिस्ट्रीब्यूट की जानी है। पहली टर्म आपने पढ़ी थी बफर स्टॉक, ठीक है। बफर स्टॉक में गवर्नमेंट ने क्या किया, किसानों से फसल ली और उसको स्टोर किया ग्रेनरी में, किसके लिए? फूड इनसिक्योर लोगों के लिए। अब उसे स्टोर किए गए खाने को, ठीक है, उस फूड आइटम्स को जो एफसीआई है, ठीक है, गवर्नमेंट का जो डिपार्टमेंट है, उसी खाने को डिस्ट्रीब्यूट करता है गरीबों को, उन लोगों को जिनको खाने की जरूरत है, जिनके पास फिक्स रिसोर्सेज नहीं है कि वो महंगी चीजें खरीद सके, उन लोगों को ये खाना अवेलेबल करवाया जाता है अंडर द स्कीम ऑफ पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन। अब इस स्कीम के लिए, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन तो उन्होंने बोल दिया, स्कीम के लिए क्या करती है गवर्नमेंट, पहले लोगों को एक तरीके से सर्वे करती है, उनको आइडेंटिफाई करती है, आइडेंटिफाई करने के बाद उनके लिए राशन कार्ड बनाती है, ठीक है। सभी के घर में राशन कार्ड होते हैं, आपको पता होगा, कुछ के बिलो पुअर्टी लाइन वाले होते हैं, कुछ के अपर पुअर्टी लाइन वाले होते हैं, ठीक है, येलो कार्ड, पिंक कार्ड, इस तरीके से, ठीक है, ब्राउन कार्ड, अलग अलग तरीके के जो है वहां पर गवर्नमेंट स्कीम बनाती है और उसके अंडर क्या वो कार्ड, राशन कार्ड जो है बनाती है, जिससे वो आइडेंटिफाई कर सके कि कौन फूड इनसिक्योर है और किसको खाना अवेलेबल करवाना है, ठीक है। तो राशन कार्ड बनवाया और इसी तरीके से गवर्नमेंट ने वहां पर राशन की जो शॉप्स हैं वो भी फिक्स की, ठीक है, एक जगह लोकेट की जहां पर क्या है जाके राशन लिया जा सकता है। ये राशन की शॉप्स कहां होती है? आपकी लोकेलिटीज में, विलेजेस में, टाउन्स में और सिटीज में, ठीक है। राशन की जो शॉप्स है इनको एक और नाम दिया जाता है, फेयर प्राइस शॉप्स, ठीक है। जो अहमद के पास कार्ड था, वो जहां से चीजें खरीद रहा था, उनको राशन शॉप्स कहते हैं या फेयर प्राइस शॉप्स कहते हैं, जहां पर स्टॉक होता है, ठीक है, अलग अलग फूड आइटम्स का या बेसिक नीड्स का, ठीक है। जैसे यहां पे देखिए क्रोसिन ऑयल दिया गया है, किसके लिए? कुकिंग के लिए। खाना, जो गेहूं, जो चावल आपने लिया, पकाएंगे तभी तो खाएंगे। अब खाना मिल गया आपको लेकिन पका नहीं पा रहे, तो गवर्नमेंट इसलिए आपको ये चीजें भी वहां पर क्या है अवेलेबल करवाती है। इन जगहों पर जो खाने की जो चीजें हैं या जो बेसिक जो आइटम्स हैं, ये मार्केट रेट से कम कीमत पर बेचे जाते ताकि सभी खरीद सके, ठीक है। और इसीलिए जब आप सामान खरीदने के लिए जाते हैं तो वहां पे आपको क्या है राशन कार्ड जो है आपका दिखाना पड़ता है, ठीक है। एवरी मंथ के हिसाब से आपको ये चीजें डिस्ट्रीब्यूट की जाती है एक फिक्स रेट पर, डिपेंड करता है आपकी फैमिली में कितने मेंबर है, मेंबर्स के अकॉर्डिंग आपको क्या वो चीजें दी जाती है। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट एक के लिए डिसाइड करके चलती है, जितने आपके मेंबर्स है उतने से आप उसको क्या है मल्टीप्लाई कर सकते हैं। क्लियर? थ्री काइंड्स ऑफ राशन कार्ड यहां पर देखिए आपका आ गया, ठीक है। अंत्योदय कार्ड्स आपके दिए गए, बीपीएल कार्ड्स दिए गए हैं, एपीएल कार्ड्स दिए गए हैं। क्लियर? तो ये अलग अलग कार्ड्स बनाए जाते हैं। नेक्स्ट हम यहां पे बात करेंगे व्हाट इज रेशनिंग सिस्टम, ठीक है। रेशनिंग सिस्टम क्या है? तो रेशनिंग सिस्टम वही कि किसको कितना देना है, किसकी कितनी रिक्वायरमेंट है, उस सिस्टम को हम बोलेंगे रेशनिंग सिस्टम।
ये इंट्रोड्यूस किया गया था 1940s के बाद बंगाल फेमाइन में, ठीक है, बंगाल में जब फेमाइन आया था तो उसके बाद क्या है 1943 के बाद क्या ये इंट्रोड्यूस किया गया था कि सभी को इस तरीके की वहां पे पॉलिसी होनी चाहिए कि सभी को खाने की सिक्योरिटी दी जा सके। और रेशनिंग सिस्टम को रिवाइव किया गया 1960 में। कब, क्यों किया गया 1960 में, क्यों किया गया, क्यों, क्योंकि उस टाइम पे इंडिया में फूड शॉर्टेज हो गई थी, ठीक है। अब पुअर्टी की जो हाई इंसिडेंस है, मतलब जहां पे ज्यादा गरीब लोग हैं, ज्यादा फूड इनसिक्योर लोग हैं, 1970, ठीक है, रिपोर्ट की थी जो कि किसने, NSSO ने, इसके अंडर वहां पर फूड इंटरवेंशन प्रोग्राम्स इंट्रोड्यूस किए जिसमें पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन था, ठीक है, जिसमें आपके क्या फूड ग्रेन्स जो कि पहले से ही दिए जा रहे थे इनको और ज्यादा स्ट्रेंथ दी गई, इनको और ज्यादा मजबूत किया गया कि ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ क्या वहां पर खाने के आइटम जो है पहुंचाए जा सके। इसके अलावा देखिए इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस इंट्रोड्यूस की गई 1975 में, ठीक है, एक्सपेरिमेंटल बेसिस पर, कि बच्चों के लिए एक एक्सपेरिमेंट के तौर पर इसको इंट्रोड्यूस किया गया और जो फूड इनसिक्योरिटी है उसको थोड़ा सा इंप्रूव करने की कोशिश की गई। इसके अलावा फूड फॉर वर्क प्रोग्राम लॉन्च्ड इन 2004 इन 150 मोस्ट बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ द कंट्री टू इंटेंसिफाई द जेनरेशन ऑफ सप्लीमेंट्री वेज एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, फूड फॉर वर्क प्रोग्राम लॉन्च किया गया था कब, 2004 में। 150 जो मोस्ट बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स थी कंट्री की, ठीक है, वहां पर क्या है सप्लीमेंट्री जो वेजेस एम्प्लॉयमेंट करवाने के लिए ताकि लोग वहां पर क्या अपनी अर्निंग कर सके, ये स्कीम क्या है चलाई गई थी। यहाँ पे देखिए नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 की हम बात करेंगे। ये एक्ट फूड प्रोवाइड करवाता है, न्यूट्रिशन सिक्योरिटी देता है अफोर्डेबल प्राइस पर, ठीक है, और लोगों को उनकी डिग्निटी के साथ जीने की एक चांस देता है, उन्हें एनेबिलिटी देता है। 70% जो नेशनल फूड सिक्योरिटी की जो प्रोसेस है इसके अंडर 75% रूरल पॉपुलेशन और 50% अर्बन पॉपुलेशन को कैटेगराइज करके रखा गया कि इसके अंडर इतने लोगों को हम क्या कवर करके चलेंगे। करंट स्टेटस की बात करेंगे पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन की, कि करंट में ये सिचुएशन आपकी कैसी चल रही है। पीडीएस के अंडर देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट स्टेप्स क्या है, यहाँ पर अलग अलग जो एरियाज है, ठीक है, गवर्नमेंट इंडिया के अलग अलग एरियाज को इनसिक्योर करती है किस चीज के लिए, फूड सिक्योरिटी के लिए, और वहां पर अलग अलग स्टेप अकॉर्डिंग टू द रीजन, अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन वहां पर लिए जाते हैं, ठीक है। शुरुआत की बात करेंगे पीडीएस सिस्टम में, ठीक है, क्या किया गया था, यूनिवर्सली कोई इसमें डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया गया कि गरीब हो या अमीर हो, सभी को क्या है पीडीएस सिस्टम के अंडर रखा जाएगा। लेकिन जैसे जैसे समय बीता ये जो पॉलिसी थी इसको रिवाइज किया गया, ठीक है, और टारगेटेड किया गया उन लोगों के लिए जिनको ज्यादा नीड थी कंपैरिजन टू थी जिनको कम नीड है, ठीक है, जो खरीद पा रहा है जिसकी इनकम अच्छी है उनको, उनके ऊपर कम फोकस किया गया और जो ज्यादा गरीब थे उनको ऊपर, उनके ऊपर क्या यहाँ पर ज्यादा ध्यान दिया गया, इनको हटा दिया गया। तो यूनिवर्सली जो अट्रैक्शन था उसको हटा के अब जो नीडी थे उनके ऊपर क्या फोकस कर दिया गया। 1992 की बात करेंगे, ठीक है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन जो सिस्टम थी, ठीक है, रैम्प्ड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो थी, ठीक है, इंट्रोड्यूस किया गया किस चीज के लिए, ताकि रिमोट एरियाज में, बैकवर्ड एरियाज में लोगों को फूड आइटम्स जो है, फूड ग्रेज जो है या बेसिक नीड्स जो है वो प्रोवाइड करवाई जा सके। जून 1997 में, ठीक है, टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया, पुअर इन ऑल एरिया जितने भी गरीब थे उनको टारगेट किया गया और फर्स्ट टाइम डिफरेंशियल प्राइसेस पर, ठीक है, अलग अलग कीमतों पर गरीबों और नॉन पुअर और नॉन पुअर जो थे उनको अलग अलग कीमतों पर चीजें वहां पर क्या है अवेलेबल करवाएगी कि अकॉर्डिंग टू वही दोबारा से कि सिचुएशन के अकॉर्डिंग जिसके जैसे हालात थे उसी तरीके से क्या उनको जो खाना है वो अवेलेबल अलग अलग कीमत पर करवाएगा। 2000 की बात करेंगे, इसमें दो स्पेशल स्कीम्स जो है लॉन्च की गई, एक अंत्योदय अन्न योजना, ठीक है, इसके अलावा अन्नपूर्णा स्कीम जिसमें स्पेशल टारगेट रखा गया गरीब से गरीब को, ठीक है, इंडिजेंट सीनियर सिटीजन को इसमें ध्यान दिया गया उनके ऊपर, उनको अवेलेबिलिटी करवाई गई फूड ग्रेन्स की और दूसरे आइटम्स की, क्लियर। यहाँ पे देखिए आपके इंपोर्टेंट फीचर्स आपके दिए गए हैं पीडीएस के कि कौन से साल में किस तरीके से कौन सी पॉलिसी से कितना जो आइटम था वो दिया गया था लोगों को। नेक्स्ट हम बात करेंगे, देखिए ये योजना आपकी
अंत्योदय अन्न योजना जो दी गई है, पहले बता चुकी हूँ 2000 में इसको, दिसंबर 2000 में इसको लॉन्च किया गया था। इस स्कीम के अंडर 1 करोड़ से भी ज्यादा जो गरीब थे, बीपीएल फैमिलीज के जो गरीब थे उनको टारगेटेड किया गया था। उनको पहले आइडेंटिफाई किया गया रूरल एरियाज में, जो डिपार्टमेंट था बिलो पॉवर्टी लाइन के अंडर उनका सर्वे किया गया और सर्वे के अंडर उनको आइडेंटिफाई किया गया और आइडेंटिफाई करके उनके इंडिकेशन के लिए उनको कुछ डॉक्यूमेंट्स दिए गए। 25 किलोग्राम ऑफ फूड ग्रेन्स उनको अवेलेबल करवाए गए ईच फैमिली मेंबर को, ठीक है, जिससे क्या है हाईली सब्सिडाइज रेट पर उनको ये दिए गए थे, जैसे 2 रुपीज पर के जी व्हीट, 3 रुपीज पर के जी राइस ये दिया गया था, ठीक है, जिससे 25 से 35 से 35 केजी, ठीक है, जो डिमांड थी उनकी, ठीक है, जैसे पहले आपका देखो 25 दिया गया था उसको बढ़ा के 35 कर दिया गया, एनहेंस किया गया अकॉर्डिंग टू द नीड। इसके अलावा आपका आ जाता है इसको एक्सपेंड किया गया 2 बार, एडिशनली एक्सपेंड किया गया 2 बार 50 लाख बीपीएल फैमिलीज जो है जून 2003 में इसमें इंक्लूडेड थी। इसके अलावा देखिए 2 करोड़ फैमिलीज जो है वो कवर की जाती हैं इस योजना के अंडर। अब इसमें सब्सिडी वर्ड यूज हुआ था, उसका मीनिंग आपको बता देते हो। सब्सिडी इज अ पेमेंट दैट अ गवर्नमेंट मेक्स टू अ प्रोड्यूसर टू सप्लीमेंट द मार्केट प्राइस ऑफ अ कमोडिटी। सब्सिडाइज कैन कीप कंज्यूमर्स प्राइस लो व्हाइल मेंटेनिंग अ हायर इनकम फॉर डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स। मिल गया आपको। इसके बाद हम बात करेंगे, देखिए इंपोर्टेंट फीचर्स ओपीडीएस, विशेषताएं कह सकते हैं, इंपोर्टेंस कह सकते हैं, ठीक है, पीडीएस की हम यहाँ पे एक सेकेंड अभी बताते हैं। हाँ जी, इसमें क्या किया जाता है, एक सेकेंड, हाँ जी, गवर्नमेंट यहाँ पर एक पॉलिसी लेके आती है, पीडीएस में एक पॉलिसी लेके आती है जिसमें स्टेबलाइजिंग जो प्राइसेस है उन स्टेबलाइजिंग प्राइसेस पर लोगों को अफोर्डेबल प्राइसेस पर कंज्यूमर्स को जो फूड आइटम्स है या बेसिक नीड्स है वो प्रोवाइड करवाई जाती है, ठीक है। एक चीज हंगर, वो जब फेमाइन के कारण है या नॉर्मल है, ठीक है, उसको सरप्लस आइटम्स जो कि फार्मर्स के पास है उनसे क्या है डेफिसिट एरिया को कवर करने की कोशिश की जाती है। दूसरा, जो प्राइसेस है उनको रिवाइज किया जाता है अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू द टाइम। इसके अलावा मिनिमम सपोर्ट प्राइस डिक्लेयर किया जाता है जिससे किसानों को फायदा होता है, वहीं पे एक इश्यू प्राइस भी रखा जाता है जिससे खरीदने वालों को फायदा हो, ठीक है। तो ये पीडीएस का क्या हो जाता है आपकी फीचर में आ जाता है। इसके अलावा यहाँ पे देखिए कि हमारे पास बफर स्टॉक में चीजें हैं और कई बार बुरा टाइम आता है, ठीक है, कोई ऐसे चांसेस हो जाते हैं तो वहां पर अनाज स्टोर है और हम उन चीजों से क्या कर सकते हैं, लड़ सकते हैं। लेकिन यहाँ पे देखिए एक और चीज आ जाती है कि जो बफर स्टॉक है उसकी सही से मेंटेनेंस ना होने के कारण, ठीक है, या पीछे वाली जो चीज है वो डिस्ट्रीब्यूट ही नहीं हुई है और आगे से हमने और खरीद ली है, तो ये काफी अनडिजायरेबल हो जाती है और इससे बहुत सारी वेस्ट होती है खाने की चीजें, ठीक है। जो स्टोरेज आपका होता है, ठीक है, वो काफी मैसिव हो जाता है, इससे भी चीजें क्या हो जाती है, खराब हो जाती हैं, सड़ने लग जाती हैं और जो उसकी क्वालिटी है वो गिरने लग जाती है। एमएसपी काफी सालों से, यहाँ पे देखिए फ्रीजिंग ऑफ एमएसपी फ्यू ईयर, अगर एमएसपी को काफी सालों से गवर्नमेंट रिवाइज नहीं करती है तो इससे किसानों का वहां पर क्या हो रहा है, शोषण हो रहा है, एक्सप्लोटेशन हो रहा है कि जो 20 साल पहले जो कीमत थी अगर वो कीमत आज सेम उनको पे की जाएगी तो वो क्यों कर रही है काम, ठीक है, उनकी अर्निंग में उनको क्या प्रॉफिट हुआ, क्लियर। अब यहां पे देखिए कि एमएसपी के अंडर, ठीक है, जो फूड ग्रेन्स है उनके प्रोडक्शन को इंक्रीज किया गया है, कहां पर, पंजाब हरियाणा आंध्र प्रदेश का कुछ एरिया है, लेकिन यहां पर वो जो पर्टिकुलर एरिया पे फोकस किया गया ग्रीन रेवोल्यूशन के अंडर, तो इन एरियाज पर ज्यादा प्रेशर भी तो एग्जर्ट किया जा रहा है, इन्हीं से बार बार वो चीजें क्या है प्रोड्यूस की जा रही है और बाकी जो एरिया उसके कंपैरिजन में यहां पर फर्टिलिटी या बर्डन जो कह सकते हैं आपका ज्यादा हो जाता है और फर्टिलिटी ये एरिया ज्यादा लूज करता है। इसके अलावा हम यहाँ पे बात करेंगे कि जो फोकस है, ठीक है, वो कुछ स्टेट्स पर है जैसे पहले बता चुकी हूं। उसके अलावा जो बचे हुए हैं, ठीक है, जैसे वीट के ऊपर कर दिया तो वीट नॉर्थ इंडियन स्टेट्स का स्टेपल फूड है ना कि साउथ इंडियन का, ठीक है, और राइस साउथ इंडियन स्टेट का स्टेपल फूड है ना कि नॉर्थ इंडियन का,
तो इससे भी एक फर्क पड़ जाता है कि जो कोरस ग्रेन्स है वो अलग अलग जगह पर अलग अलग तरीके से खाया जाता है, और वो जो चीज है अलग अलग वैरायटी ऑफ, वो वहां पर गवर्नमेंट अवेलेबल नहीं करवा पाती है, ठीक है। और एक ही इंटेंसिफाई कल्टीवेशन करने से, इंटेंसिव यूटिलाइजेशन करने से फसलों की भी, और साथ साथ जैसे HYV शीट्स के लिए इरिगेशन की ज्यादा जरूरत होती है, तो वहां पे पानी ज्यादा यूज किया जा रहा है, ठीक है। और इससे क्या हो रहा है, इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन हो रहा है, वाटर लेवल जो है गिरता जा रहा है, ठीक है। ये एक थ्रेट है किस चीज के लिए, सस्टेनेबिलिटी के लिए, एग्रीकल्चरल सस्टेनेबिलिटी के लिए, जिन स्टेट्स में क्या है इस तरीके की एक्टिविटी हो रही है वहां पर। डेक्लाइन इन PDS की बात करेंगे कि PDS में डेक्लाइन कैसे नोटिस किया गया। PDS के जो डीलर्स हैं, ठीक है, वो कई बार मेल प्रैक्टिस करते हैं। जैसे राशन शॉप्स बना दी गई, उन शॉप्स में, वो शॉप्स खोली क्यों गई थी, ताकि लोगों की हेल्प हो सके, लेकिन वहां पर ये अपनी मन मर्जी से वो जो फूड आइटम है गरीबों को ना देखे उसकी कालाबाजारी करते हैं, उनको दूसरों को ज्यादा कीमत पर बेच देते हैं, ठीक है। तो गवर्नमेंट ने तो स्कीम स्टार्ट की, लेकिन जिन लोगों के लिए स्टार्ट की उन तक वो नहीं पहुंच पाते, जितनी फिक्स किया गया है वेट, ठीक है, उतना उनको ना देना, ठीक है। जैसे 25 kg था उनका, जो खुद की मर्जी से अपने आप उनका 3-3 kg कर देना, जो कि गवर्नमेंट ने वहां पर मान के चलो कि 5-5 kg किया है, तो वहां पे 3-3 kg कर देना, तो ये भी उनकी खुद की हो जाती है। जो बढ़िया अनाज गवर्नमेंट भेजती है उसको रिप्लेस करके वहां पे जो घटिया अनाज है वो देना, कि पीछे से तो यही आया है, और इस तरीके से क्या है उनके लिए जो आइटम गवर्नमेंट ने अवेलेबल करवाया था वो उनको ना मिलना, ये भी एक बहुत बड़ा रीजन है डेक्लाइन का। कॉमन जगह पर जो राशन शॉप्स है वो रेगुलर जो अवेलेबिलिटी है वो नहीं करवा पाती है, ये भी कारण यहां पर आ जाता है, ठीक है। कई बार राशन शॉप जो होती है मैसिव स्टॉक हो जाता है, ठीक है, और उससे क्या है वो सेल नहीं कर पाती है। इसके अलावा राशन कार्ड जो है, ठीक है, गवर्नमेंट जो सर्वे करती है उसके अकॉर्डिंग हमारे जैसे लोग ही वहां पर क्या करते हैं, चीट करते हैं, और वो जो राशन कार्ड है वो फेक बनवा लेते हैं, और इससे हम उन लोगों का हक खा रहे होते हैं जिनको सच में रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है, और वो लोग इस स्कीम का फायदा उठा रहे होते हैं जो पहले से ही सेल्फ सफिशियंट है, और फिर भी क्या है गवर्नमेंट की इन पॉलिसीज का वो मजा ले रहे होते हैं, क्लियर। यहां पर देखिए अलग अलग टाइप के जो 3 कार्ड बनाए गए थे, और उनपे अलग अलग प्राइसेस पर क्या है लोगों को चीजें अवेलेबल करवाई जाती थी, ठीक है। ये आज के टाइम में द 3 types ऑफ कार्ड्स एंड द रेंज ऑफ प्राइसेस दैट यू सी टूडे डिड नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। लार्ज फैमिलीज जो है, ठीक है, फूड ग्रेन राशन शॉप से खरीदने की कोशिश करते हैं, लेकिन वहां पर जो कोटा है वो आपका क्या हो जाता है, उतना नहीं है जितने की रिक्वायरमेंट, ठीक है। यहां पर देखिए इनकम जो फैमिलीज की है, ठीक है, अच्छी इनकम है, लेकिन फिर भी अपने आप को वो रजिस्टर करवा के बैठे होते हैं कि इसमें बिलो पॉवर्टी लाइन। TPDS, ठीक है, इसमें 3 different प्राइसेस रखे जाते हैं फैमिली के अकॉर्डिंग, कि वो कौन सी आपकी उनकी इनकम कितनी है, उस इनकम के अकॉर्डिंग क्या है इनकी जो कीमत है वो रखी जाती है, ताकि क्या है कुछ डिस्काउंट वहां राशन शॉप अलग अलग गरीबों को उनकी फाइनेंशियल कंडीशन के अकॉर्डिंग के वहां पर दे सके। द प्राइस फॉर APL फैमिली इज ऑलमोस्ट एज हाई एज ओपन मार्केट, और APL में राशन इतने ही रेट में मिलता है जैसे नॉर्मल आपके मार्केट शॉप में मिलता है, ठीक है, और इनको थोड़ा सा लिटिल इंसेंटिव वहां पर दिया जाता है राशन की शॉप पर। अब यहां पे देखिए रोल ऑफ कोऑपरेटिव्स इन फूड सिक्योरिटी। बहुत सारी चीजें जो गवर्नमेंट प्रोवाइड नहीं करवा पाती है, या गवर्नमेंट की मैकेनिज्म वहां तक नहीं रीच कर पाता है, तो वहां पर ये कोऑपरेटिव सोसाइटीज आती हैं जो हेल्प करने की कोशिश करते हैं, सिचुएशंस को इंप्रूव करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। द कोऑपरेटिव जो सोसाइटीज है सेटअप शॉप्स, ये अपने आप से शॉप सेटअप करती है किस चीज के लिए, गरीबों के लिए, क्यों, गुड्स को वहां पर उनके लिए सप्लाई करने के लिए। जैसे दिल्ली में मदर डेयरी है, ठीक है, काफी एफर्ट्स कर रहा है मिल्क को और मिल्क प्रोडक्ट या वेजिटेबल्स को सेल करने के लिए फिक्स, जो एक सपोर्ट आप प्राइस कह सकते हो, इश्यू जो प्राइस है उस प्राइस पर। अमूल एक दूसरी कोऑपरेटिव है, ठीक है, जो उन एरिया डेफिसिट एरिया तक दूध या दूसरे आइटम्स जो है पहुंचाने की कोशिश करते हैं, और इसने व्हाइट रेवोल्यूशन क्या है कंट्री में लाया, कहां से, गुजरात के आपके प्रोडक्ट्स लगा, अमूल के जो प्रोडक्ट्स आपके गुजरात के, ठीक है, वहां से स्टार्ट हुआ था। महाराष्ट्र की देखिए अकेडमी ऑफ डेवलपमेंट साइंसेज, ठीक है, ये भी एक NGO का नेटवर्क है, ठीक है, जो ग्रेन्स के बैंक अलग अलग जो डिफरेंट पार्ट्स वहां पे सेटअप कर रहे हैं, ताकि ये उन लोगों को
फूड ग्रेन्स अवेलेबल करवा सके जो के हैं आपके डेफिसिट है, ठीक है, जो एरिया आपके पिछड़े हुए हैं, ये महाराष्ट्र की बात हो रही है। इसके अलावा बहुत सारी और कोऑपरेटिव जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो कंट्री में अपनी जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो रन कर रही हैं ताकि वो उन सेक्शंस की मदद कर सकें जो क्या इकोनॉमिकली बैकवर्ड है। क्लियर, यहां पर आज का सेशन खत्म होता है। उम्मीद करती हूं कि आपको सेशन अच्छा लगा होगा, और ये कैसा लगा ये फीलिंग आप मुझे कमेंट में बताना ना भूले, मेरे सेशन को शेयर करें, लाइक करना ना भूले, और अपने जो फ्रेंड्स हैं, अपने रिलेटिव्स हैं, या वो लोग जो आपकी क्लास के हैं, आप उनके साथ इस सेशन को शेयर करना ना भूले। थैंक यू।